हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। देखिए, मैथ्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो का फार्मूला था, और वो फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली 2019 या 2020 के पेपर में, हम ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन भी प्रॉफिट लॉस का ही है। और इस क्वेश्चन को सीपी और एमपी के रेशियो वाला जो फार्मूला है उससे बड़े आराम से कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 22%, मतलब 22% का जब डिस्काउंट देते हैं तो 11% का गेन होता है। ठीक है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 888, आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए, समझिएगा कि इसमें मार्क प्राइस आपको 888 दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट 22% का दिया हुआ है, प्रॉफिट 11% का दिया हुआ है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। समझना इसमें यह है कि हम आपको बता चुके हैं ये बात कि जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। ठीक, जो डिस्काउंट देंगे आप ये हमेशा आप देंगे किस पे, मार्क प्राइस पे। दूसरी बात, जो आपको प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 550, 624, 895 और 782। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए आपको खुद से लगाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ना आए तो इस वीडियो से समझिएगा। देखिए, फार्मूला क्या होता है हमारा, सी पी अपॉन एम पी, मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। देखिए, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में किए हुए हैं और बहुत अच्छे से समझ रखा है हमने कि ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे, इस एरिया को यहाँ से रब करते हैं। चलिए, देखिए करना क्या है कि आपको सी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मार्क प्राइस दे रखा है 888। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 22% का, तो 100 माइनस 22 करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 11% का, तो 100 प्लस 11 करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऊपर डिस्काउंट घटा होता है और नीचे प्रॉफिट ऐड होता है 100 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ से सीपी की वैल्यू बड़ा आराम से निकल जाएगी, 888 जो है इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए, 100 में से 22 माइनस होगा यहाँ पे, तो बचेगा 78 और नीचे ये ऐड हो जाएगा तो बचेगा 111 इंटू 888 उस पर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 111 से 888 कटेगा एक बार, 8 बार में, सॉरी एक नहीं 8 बार में कट जाएगा, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8 × 78, ये आएगा 4662। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में सीबी पूछ रखा है, देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था आपसे, ये कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया 624। आपका आंसर जो है वो बी सही हो गया। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर से प्रॉफिट लॉस का ही अभी क्वेश्चन करेंगे सीरीज में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।